हेलो दोस्तों, स्वागत है आई ऑफ सिंधी पर। दोस्तों कल बुधवार है और बुधवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह का मूड माहौल रहने वाला है, क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, लेवल्स क्या निकल के आ रहा है, समझेंगे इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में चार्ट और ऑप्शन चेन की मदद से। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी लेवल्स मिलेगा ऑप्शन चेन का, जो भी डेटास मिलेगा उसे नोट कर लीजिएगा ताकि लाइव मार्केट में कल के दिन आपको ट्रेड लेने में या समझने में बहुत आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के वन डे के चार्ट पर हैं। वन डे के चार्ट से हम लोग समझेंगे कि आज का मूड माहौल क्या रहा और फिर कल का मूड माहौल क्या रहेगा। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने आई ऑफ सिंधी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइव मार्केट में अप टू डेट के लिए जैसे कि ऑप्शन चेन, पीसीआर, इंडिया विक्स इत्यादि अगर लाइव अपडेट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव मार्केट में अपडेट लेते रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं निफ्टी के वनडे के हिसाब से कि आज का मूड माहौल क्या रहा। देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट क्या है, पिछले दो तीन दिनों से क्या हुआ था, गिर रहा था, लेकिन मार्केट क्या है, गैप अप हुआ है, अब अपने अगले वाले जोन में, ऊपरी लेवल वाले जोन में आ चुका है। हालांकि आज देखोगे मार्केट नीचे गिरने की कोशिश किया लेकिन क्लोजिंग जाके दिया है इसी रेंज में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, मार्केट में कमजोरी का संकेत ग्लोबली लेवल का था और हमारे इंडिया में वो ग्लोबली संकेत को नज़रअंदाज करते हुए मार्केट में कमज़ोर होने की कोशिश तो किया लेकिन डीप में बायर्स एक्टिव हो गए और ये जो डीप था यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए 18,535 के आसपास, ठीक है, 535-525 और ये लेवल भी था जहाँ पर हमें खरीदना चाहिए था, कल की वीडियो में मैंने कहा भी था। और 565 का पहला और 590-600 का दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया, आज के दिन क्लोजिंग दे दिया है एकदम से फ्लैट 18,600 के आसपास। तो 18,600 है ना वो बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था जिसकी वजह से 18,600 के ऊपर मार्केट में निफ्टी जो है जा नहीं पाया आज के दिन। और हाँ कोई बल्क डील होता ऊपरी लेवल में तो 18,645 तक जा सकता था लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट एकदम से रेंज में था। हाँ थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिला, निचले लेवल पर आया, निचले लेवल से क्या हुआ खरीदारी देखने को मिला, बाय ऑन डिप्स का जो कॉन्सेप्ट था वो आज के दिन हमें निफ्टी में देखने को मिला निचले लेवल पर और वहां से मार्केट रिकवर करके लास्ट में क्लोजिंग एकदम 18,600 पे दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि मार्केट स्ट्रांग है ये हमें संकेत मिल रहा है वनडे के चार्ट से, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट से हम लोग समझते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर क्या सिनेरियो बन रहा है। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन में दोस्तों आपको 18,600 जो है मेक एंड ब्रेक वाला लेवल ऑलरेडी है, 18,600 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों दबा के राइट किया हुआ है। ऊपर में अगर देखोगे तो 18,700 भी जबरदस्त कॉल राइटिंग हो चुका है, 800 पे भी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। हालांकि 18,600 पर पुट राइटर बहुत अच्छा खासा बैठा है, 18,500 पे पुट राइटर्स बहुत अच्छा खासा बैठा है। तो 18,465 जो है ये आप ध्यान में रखना, 18,500 से लेके 18,465 जो है ये एक मजबूत सपोर्ट है, मजबूत बाइंग जोन है, ठीक है। खुदा ना खास्ते अगर इस रेंज में आता है निफ्टी तो यहाँ से हम झोली भर भर के बाय कर लेंगे, लॉन्ग करेंगे, क्योंकि देखो ये जो रेंज है ना इस रेंज में आने के बाद खरीदारी आएगी और अगर हम रिटेल ट्रेडर हैं और हम अपॉर्चुनिटी लेकर काम करते हैं तो इस रेंज में जब भी आएगा तो हम बाय करेंगे आराम से फुल क्वांटिटी में, ठीक है। जैसे कि आज ही आप देख लो ना, आज आपका मार्केट में 18,525 के रेंज को दिखाया तो ये क्या था, इंट्राडे के लिए बहुत परफेक्ट जोन था, मार्केट इतना अच्छा खासा जोन में हमें मिला तो हम यहाँ से बाय कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, और बाय किए भी। तो इस जगह पर अगर हम बाय कर लेते हैं तो मेरा टारगेट आराम से मिल जाता 18,565-575 का, ठीक है। हालांकि 18,600 तक का टारगेट, 625 तक का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन लास्ट टाइम में क्लोजिंग 18,600 पे हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग देखिए कल की बात करते हैं कि कल क्या सिनेरियो हो सकता है। देखो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल से नीचे गिर के आया फिर इस लेवल में और इस लेवल से खरीदारी आई और हालांकि फिर से इसी रेंज में आके क्लोजिंग दे दिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मार्केट है, हमारे लिए पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी 18,600 पे क्लोज हुई है। कल के दिन मार्केट क्या होता है कि अगर मान लो गैप अप होता है 50-60 पॉइंट तो 600-650 के आसपास गैप अप होगा तो ऑल टाइम हाई है 18,000 अभी तक का ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम हाई जो दिसंबर में है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो फिलहाल का हाई जो था
वो था आपका 18,665 का, ठीक है। 18,665 के रेंज को हमें देखना है, अगर गैप अप होता है तो 18,665 के ऊपर मार्केट जाती है तब फ्रेश बाय आएगी और फिर 18,725-765 का रेंज हमें दिखा सकता है, लेकिन इतना बड़ा टारगेट तब हमें मिलेगा जब 18,665 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो 18,665 गैप अप के बाद एक रेंज हो जाता है जिसको हमें देखना है, 665 के ऊपर अगर मार्केट स्टिल होती है, ठहरती है, तब हम फ्रेश कॉल में बाय करेंगे, अन्यथा 18,665-675 के रेंज में जब गैप अप के बाद निपटी जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 18,600 का पीई ले लेंगे और मेरा पहला टारगेट होगा, ध्यान से समझिएगा, 18,600 का पीई लेंगे और टारगेट मेरा पहला होगा 18,635 का, दूसरा होगा 18,600 का एंड 18,565। ये तीन टारगेट हम कल अचीव कर सकते हैं गैप अप में, 18,665-675 के रेंज में अगर हमें निफ्टी मिल जाती है तो गैप अप के बाद ये सिनेरियो रहेगा। देखिए गैप डाउन की अगर हम बात करें तो फिर से इसी रेंज में आकर खुलने का चांसेस है जो कि 18,535-45 के आसपास, ठीक है, 18,535-545 के आसपास। तो इस रेंज में आने के बाद ना अगर एग्रेसिव बायर्स हैं, थोड़ा रिस्क लेकर मल्टीपल जो लॉट में काम करते हैं तो इस रेंज में भी हम एक लॉट बाई कर सकते हैं, 18,525-515 आता है तो हम अपने यहां से लॉट को एवरेज करके और आगे का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि 18,500 एक मजबूत सपोर्ट है। तो 18,500 से लेके 18,535 के रेंज में हम मल्टीपल लॉट्स को ऐड कर सकते हैं हम चाहें तो, अन्यथा हम एक बार अगर खरीदना चाहते हैं तो आज का जो लो है ये वाला रेंज, गैप डाउन के बाद इस रेंज में आए तो हम यहां से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18,500 का कॉल खरीदेंगे, 18,565 पहला टारगेट, 18,600 दूसरा टारगेट एंड 18,635 तीसरा और फाइनल टारगेट लेकर टाटा बाय बाय कर देना है निफ्टी में। तो ध्यान से इस लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, मार्केट बहुत ही आसान क्रिस्टल क्लियर लेवल है, इस तरह के लेवल्स मार्केट में निकल कर नहीं आता है। देखो मार्केट में दोनों तरफ का ट्रेड अभी मिल जाता है, आपको 18,600 पे क्लोजिंग दिया है, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम बायर्स के लिए पॉजिटिव कॉज है। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो इस रेंज में आया, यहां से खरीदारी दिखाया और क्लोजिंग यहां पे दिया है। अब मार्केट देखो ऊपर में 18,665 एक क्रूशियल जोन है और नीचे में 18,525 एक क्रूशियल जोन है, ये नीचे के साइड में इसको अगर तोड़ देगा तो फिर नीचे के साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ऊपर साइड में 18,665 के ऊपर फ्रेश बाय देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन भी हमें यही दिखा रहा है कि 18,500 को सपोर्ट मान के चलो, 18,700 अभी आपका मजबूत रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ कल हम ट्रेडिंग करेंगे, आप अगर हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, कोई भी चैट करना हो तो। दोस्तों अगर आपको बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शंस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाएं और बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शंस देखिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।